हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सभी को मेरा सलाम। और देखिए, आपके लिए लाए हैं हम लोग क्या क्या कलेक्शन, और दिखाएंगे आपको लिपटाई हुई काइट्स का कलेक्शन। और ये देखिए, बहुत सारी काइट्स हैं। छोटे उस्ताद आपको दिखाएंगे, छोटे उस्ताद से मिल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, छोटे उस्ताद के पास काफ़ी कलेक्शन है और मेरा भी कलेक्शन है। अभी हम आपको अपनी बैग की अच्छी और कलेक्शन भी दिखाएंगे, कुछ कंकवों का कलेक्शन है वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिए जैद खान मल्टी वीडियोस को, और प्लीज़ मेरे चैनल को, हम लोग के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैद खान मल्टी वीडियोस मेरे चैनल का नाम है। और देखिए कलेक्शन, देखिए पहली पतंग पप्पू गाइड सेंटर की है, ये देखिए हल्की पतंग है, खुशी है। जी जी, ये देखिए ये पतंग है, ये देखिए। तो दूसरी पतंग हम आपको दिखा रहे हैं, रॉकेट की है, देखिए पतंग फहीमुद्दीन रॉकेट की है ये पतंग। ये स्टैम्प, ये देखिए इसका स्टैम्प है, फहीमुद्दीन रॉकेट की पतंग है। ये लोकल है, ये देखिए लोकल पतंग, और ये देखिए नाजिम के फरमे पे, ये बढ़िया पतंग है नाजिम के फरमे पे। ये देखिए, और ये देखिए फिरोज काइट सेंटर, ये देखिए गोल फरमाए, फिरोज काइट सेंटर। ये सब लोकल पतंग है, कुछ ब्रांडेड भी पतंगे हैं इसके अंदर। फिरोज काइट सेंटर वाली पतंग देखें, ये देखिए फिरोज काइट सेंटर की पतंग है, बढ़िया। और देखिए ये कौन सी पतंग है, फिरोज काइट सेंटर की एक और पतंग निकल के आई, आसिफ रहमान की पतंग, आसिफ रहमान की पतंग निकल के आई है। कल मैंने लूटी थी पतंग वाली, हाँ लिपटाई थी, ये देखिए। और देखिए कौन सी है, देखिए पप्पू काइट सेंटर की बउआ की पतंग है, शायद बउआ, ये देखिए पप्पू काइट सेंटर की पतंग है, बढ़िया कलेक्शन है। ये किसकी पतंग है, कारीगर का नाम है अदनान काइट सेंटर की पतंग है, ये अदनान काइट सेंटर भी मौलवीगंज में है। ये देखिए अब्दुल समद की पतंग है, बहुत भारी पतंग है, ये देखिए अब्दुल समद की पतंग निकल के आई है। और क्या लिखा है ये दिखाइए जरा, देखिए विभोर गुप्ता लोहे एफ धातु रेलवे ठेकेदार है, उन्होंने अपनी स्टैम्प छपवाया है, भारी पतंग है। और ये देखिए लोकल है, ये किसकी है, इमरान का सेंटर की है, इमरान काइट सेंटर की पतंग है मौलवीगंज वाले। फहीमुद्दीन फहीम रॉकेट की पतंग है, फहीमुद्दीन रॉकेट की पतंग है, देखिए बढ़िया छोटे फरमे पे है, ये देखिए टेप किसने लगा दिया, हाँ गलत टेप लगा दिया है। ये देखिए 6 का 10 है, ये देखिए 6 का 10 भी निकल के आया इसके अंदर, बढ़िया 6 का 10 है, ये अधी में लड़ जाता है। ये महफूज की पतंग है, महफूज काइट मेकर मुरादाबाद की पतंग है, देखिए सही से दिखा दिए, ये देखिए। और भी बहुत बढ़िया कलेक्शन है, देखिए ये अब्दुल समद की पतंग है, ये देखिए अब्दुल समद की पतंग, अब्दुल समद की पतंग है। और ये किसकी पतंग है, ये लोकल है, ये लोकल है, ये देखिए लोकल पतंग है, कोई स्टैम्प नहीं है, देखिए दानिश की पतंग है, दानिश मुरादाबाद। और ये देखिए इनका नंबर भी है, इनका स्टैम्प है और नंबर है, ये देखिए दानिश मुरादाबाद का नंबर है। और ये अब्बास काइट, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टैम्प वो नीले पे लिखी है इसलिए समझ में नहीं, लेकिन पतंग बहुत शानदार है फ्रेंड, ये देखिए बहुत शानदार पतंग है। और देखिए ये देखिए एक तारेदार पतंग है, मांगदार, ये भी भारी मीडियम गोल फरमे की, इरफान की, इरफान स्टैम्प दिखाइए ज़रा, ये देखिए इरफान, इरफान छोटे, जी जी जी, ईद मुबारक की पतंग देखिए मिली है, बहुत बढ़िया पतंग है, चांदार पर्रेदार, ये देखिए एक गुड्डू भाई हमारे, ये उनकी पतंग है, मौलवीगंज से पतंग काइट फाइटिंग करते हैं, देखिए
लिखा है मौलवी गंज अनवार बाग रकाबगंज, और देखिए शायद वो अपना घर का एड्रेस बनाए हुए हैं गुड्डू भाई। हाशिम की पतंग, हाशिम मुरादाबाद। देखिए स्टैंप है हाशिम मुरादाबाद, ये देखिए हाशिम मंसूरी, हाशिम मंसूरी लिखा हुआ है इस पर, और ये जामा मस्जिद, और ये पतंग बहुत शानदार है देखिए। और देखिए पतंग कौन सी निकल के आती है, मोहर ये लगी हुई, स्टैम्प हट चुका है। बहुत अच्छी शानदार पतंग है ये, टोकिया एमके काइट, ये देखिए एमके काइट मेकर की पतंग है, तारेदार बहुत ही अच्छी। और ये देखिए बीशु काइट की है, बीशु काइट, हाँ ये देखिए गोल फरमे पे, ये देखिए बीशु काइट बढ़िया गोल फरमे पे पतंग है, ये देखिए। और ये देखिए तोहफा हल्की पतंग, इसमें भी कोई कारीगर नहीं दिख रहा है, ये इरफान भोला की पतंग है, ये देखिए फ्रेंड इरफान भोला की पतंग है, लखनऊ के कारीगर है इरफान भोला। देखिए स्टैम्प आपको नहीं दिखेगी, समझ में नहीं आ रही, देखिए ये दिखी स्टैम्प इरफान भोला का, कुछ अलग ही स्टैम्प होता है, ये उनकी पतंग है। और देखिए बच्चा लखनऊ की पतंग, देखिए बच्चा लखनऊ की पतंग, ये उनका स्टैम्प है, ये देखिए। लोकल है गोल फरमे पे, ये देखिए देखिए गांठदार है पतंग, ये देखिए ये गांठदार पतंग है, बढ़िया करौंदियन 6x10 है, ये भी फुल साइज अद्दी है। और देखिए भी किसी कारीगर की पतंग लग रही है, ये देखिए बढ़िया पतंग है, इस मेरठ की पतंग लग रही है हमें, और मोहर इसकी हट चुकी है। और देखिए आरबी लखनऊ की पतंग है बढ़िया, अच्छा ये पौना लोकल है, ये मैंने पौने ख़रीदे थे, तो लाइए इसी में रख दें, ये पौने हैं, इसको फिर धूप दिखाने वाली हो गई है, थोड़ा सा सील चुके हैं पौने, इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है वरना ख़राब हो जाएंगे। और भी काइट कलेक्शन है उधर रखा है, मैं दिखाएंगे आपको, देखिए गोल फरमे का पौना है, ये देखिए गोल फरमे की लोकल है, ये देखिए किसकी है, उस्ताद भोला, ये भी देखिए इरफान भोला की पतंग है, देखिए इसका स्टैम्प हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये देखिए इसका स्टैम्प इरफान भोला की पतंग, ये देखिए उस्ताद हुजूरे, ये देखिए उस्ताद हुजूरे की पतंग है, बहुत शानदार पतंग दिखाइए इधर, ये देखिए ये किसकी पतंग है, लोकल देखिए, इधर रखते रहिए, देखिए काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है, और देखिए पौना है, ये देखिए पत्ता अलग लगाया है, और दिखाइए पौना है, हाँ ये भी पौना है, ये देखिए ये देखिए अद्धी पर्रेदार टाइगर प्रिंट दिया हुआ है ऊपर, मंझोली है, और दिखाइए जो भी नीचे कलेक्शन पड़ा हुआ है, M+2 की पतंग है, ये देखिए मांगदार पतंग, और ये देखिए एक ये पतंग है, ये देखिए हल्का पौना है, ये
और ये देखिए उल्टी मांगदार पतंग, मंझोली ये देखिए, और बढ़िया कलेक्शन दिखाया हमें छोटे उस्ताद ने। और देखिए हम आपको दिखाएंगे अपनी काइट का कलेक्शन, और देखिए हमें जो मैं काइट लड़ाता हूँ और मेरी काइट का कलेक्शन देख लीजिएगा। देखिए ये मेरी काइट का कलेक्शन, ये देखिए पप्पू काइट सेंटर की पतंग है, ये बढ़िया नीचे फैंसी गागल लगा हुआ है, और देखिए ये बौवा की पतंग है बढ़िया, ये नीचे हाँ ये देखिए, ये सब कन्ने मैंने बांध रखे हैं इसलिए कि पतंग उड़ाने में, देखिए पिट्ठे इट्ठे करके रखे हैं पतंगों पे, ये देखिए उसी में की पतंग है, कुछ कन्ने बंधी पतंग है, कुछ कन्ने खुली पतंगे हैं, ये देखिए ये आसिफ काइट सेंटर की पतंग है, ये देख लीजिए मैंने 1.5 साल पहले 2 साल पहले ली थी अजंता पे, और देखिए इसके नीचे भी एक ये पतंग है, ये तारिक की पतंग है, ये देखिए तारिक मुरादाबाद की पतंग है, ये और ये देखिए फहीम रॉकेट की पतंग है, ये देखिए फहीम रॉकेट की पतंग, ये भी आसिफ काइट सेंटर की पतंग है, फ्रेंडी आसिफ काइट सेंटर का मोबाइल नंबर भी है इसके अंदर मेंशन है, जिसको लेना हो कॉल कर दे, उनके पास आसिफ काइट सेंटर की पतंगें आती हैं। और ये देखिए गोल फरमे पे पतंग, ये देखिए वाली दिखा दिए, ये देखिए ये पट्टीदार है मुरादाबाद की पतंग, और ये देखिए डीएलडी काइट सेंटर की पतंग है नीचे वाली पर्रेदार, वो देखिए सर पर्रेदार पतंग है, पर्रेदार पतंग है, ये देखिए गोल फरमे पे, और ये देखिए सबसे शानदार पतंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है मुन्ने, ये सॉरी आसिफ काइट सेंटर की पतंग मुन्ना की पतंग, ये देखिए मुन्ना की बेहतरीन पतंग होती है फ्रेंड, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाती है, और ये देखिए इमरान काइट सेंटर की पतंग दिखा दें आपको, तनवीर की पतंग है, तनवीर काइट मेकर, और देखिए इमरान की हो मोहर लगी हो इमरान काइट सेंटर का, देखिए स्टैंप है और ये उनका नंबर मेंशन किया है, ये देखिए बढ़िया पतंग है, ये मेरा स्टैंप लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, ये देखिए मुन्ने काइट सेंटर की पतंग सभी को मिलेगी, ये नाजिम की पतंग है, ये देखिए नाजिम मुरादाबाद की मुन्ने, ये उसी में की ऑरेंज है, ये देखिए, और देखिए पप्पू चचा की पतंग है लंबे फरमे पे, ये भी बब्बा की पतंग है बढ़िया, ये देखिए उसी का कलेक्शन है, ये देखिए ये देखिए ये गोल फरमे की पतंग है, ये देखिए कन्ने बंदी तूफान काइट जोन की पतंग, और देखिए गोल फरमे की एक ये भी रखी हुई है, ये देखिए हाँ ये देखिए शावेज की, देखिए शावेज की पतंग है, ये शावेज, और सब देखिए भाई बउआ की पतंग नीचे तक रखी है, ये देखिए बढ़िया कलेक्शन दिखा दिया हमने आपको, सब ये पूरा कलेक्शन रखा हुआ है, ये तो फ्रेंड आप दोस्तों फाजिल काइट सेंटर में बढ़िया से बढ़िया कलेक्शन है, और देखिए बेहतरीन कलेक्शन आया है फाजिल काइट, और देखिए फाजिल काइट सेंटर में आ गया है काइट का कलेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त अद्दी का कलेक्शन है, कुछ ब्रांड भी आए हैं, और एक बार फाजिल काइट सेंटर का विज़िट करें,
और बढ़िया काइट्स अवेलेबल हैं, और कांटेक्ट करके फाजिल काइट सेंटर जाएं और बढ़िया देखिए कलेक्शन आया हुआ है। मंझों का भी कलेक्शन बढ़िया है और पतंगों का भी, पौनी पतंग, अद्धी पतंग और मंझोली पतंग सभी आपको रीज़नेबल रेट में मिल जाएगी और बढ़िया कलेक्शन।